So hello everybody, this is your boy Suraj aka Moody SP, and today we are on the finale of How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. ये इस सेशन का, इस छोटे से जर्नी का एक आखिरी पार्ट होगा जहां हम पार्ट 4 कवर कर रहे होंगे. नाउ प्रीवियसली हमने इस बुक को दो वीडियोस में कवर किया है, थोड़ा थोड़ा पार्ट 3 तक. पार्ट 1 आप देख सकते हैं, फंडामेंटल टेक्निक इन हैंडलिंग पीपल. देन वी हैव पार्ट 2, वे टू मेक पीपल लाइक यू. एंड देन फाइनली वी हैव पार्ट 3 एंड हाउ टू विन पीपल इन द वे ऑफ योर थिंकिंग. ये तीनों पार्ट हमने अपने लाइव सेशन में कवर किए हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इन्हें थोड़ा समझने में, इसके लाइव डिस्कशन देखने में, तो आप जाके हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं. And because we are doing a recorded version today, so it will be a short one, not a big one, but hopefully main cheez ko clear kar paunga. And if aapke koi isko is topic pe ya isse related koi bhi aapke ideas honge, to feel free to write down a comment. And let's begin with part 4. So part 4 of this session is be a leader. Now take this one. Okay, be a leader. How to change people without giving offense or arouse resentment. कैसे हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं without किसी भी पर्सन को ऑफेंस किए या एक resentment की भावना, यानी कि एक resistance उसके मन में पैदा किए हुए. Now ये सवाल हमारे मन में हमेशा आता है, because it's not just about the field of business, but it's the field of every minor like situation. जैसे कि अगर आप एक family head हो, या फिर आप एक school के monitor हो, या even आप एक छोटे से task force के kind of leader हो, जो भी हो आप. But leadership quality एक ऐसी quality है जो I believe हर किसी में एक होनी चाहिए. And इस बुक में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लीडर की क्या क्वालिटीज होती है जिसके वजह से वो लोगों को अच्छे से अप्रोच कर सकता है, उन्हें एक पॉजिटिव वाइब दे सकता है, इवन उन्हें अपने तरीके से कुछ करा सकता है जिससे वो भी खुश हो और आप भी. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद चैप्टर नंबर 1. एंड चैप्टर नंबर 1 सेज, If you must find fault, this is the way to begin. अगर कभी भी आप किसी के अंदर कोई गलती पाते हो, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है शुरुआत करने का. ऑथर ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि यार, जब भी कोई गलती कर रहा है या किसी ने गलती कर दिया है, तो डायरेक्ट उस पर ऑफेंस ना करो, डायरेक्ट उस पर उंगली मत उठाओ, इससे पहले कि आप उसे क्रिटिसाइज करो. हमेशा याद रखना, क्रिटिसिज्म ऑलवेज टर्न्स बैक, यानी कि आपका जो इफेक्ट होगा वो आपको उल्टा हिट करेगा, राइट? सो डू नॉट क्रिटिसाइज. ये हमारे बुक का सबसे पहला रूल था, डू नॉट क्रिटिसाइज. इंस्टेड पहली चीज जो आप कर सकते हो इज बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन. बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन का मतलब, यानी कि हमेशा उसकी तारीफ से शुरू करो एक, और ऑनेस्ट, ये नहीं कि आप मस्का मार दो, नहीं नहीं, आपको उसे एक ऑनेस्ट अप्रिसिएशन देना है. ताकि ये साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि जब आप एक प्रेज से शुरू करते हो, एक तारीफ से शुरू करते हो, उसके बाद अगर आप किसी की गलती को पॉइंट आउट करो, तो वो गलती उसे सहना इजी हो जाता है. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है बुक में कि एक लीडर ने अपने सेक्रेटरी को देखा कि वो सही से काम नहीं कर रही है, या उसने कुछ प्रोनाउंसिएशन में गलती की थी, तो वहाँ पे उनने शुरुआत की कि दिन का टाइम था, तो उनने बोला कि लाइक, आप बहुत सुंदर लग रहे हो आज, एंड आपने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना है. इससे उस सेक्रेटरी को अच्छा लगा, बिकॉज ऐसे रेगुलर प्रेज हमेशा नहीं आते थे उनसे, लेकिन जब उनने ये कमेंट किया, ये एक प्रेज किया जो कि ऑनेस्ट था, तो सेक्रेटरी को अच्छा लगा, और इसलिए जब उनने बाद में बोला कि यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, तो फिर उसे ये क्रिटिसिज्म लेना इजी हुआ, क्योंकि वो एक
अच्छे मूड में पहले ही पहुंच गई थी कि वो नेक्स्ट जब आपका बात अब क्रिटिसिज्म पे आए, या अभी क्रिटिसिज्म में नहीं बोलूंगा, आपने उसको उसकी गलती दिखाई इन अ सिंपल मैनर, तो वो उस गलती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी। दैट्स व्हाट अ प्रेज डज। सो प्रिंसिपल नंबर वन सेज ऑलवेज बिगिन विद अ प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। मूविंग ऑन, चैप्टर नंबर टू, हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट टू बी हेटेड फॉर इट। यानी कि क्रिटिसाइज भी करना है पर उसके लिए हेटेड भी नहीं रहना है, उससे हेटेड भी नहीं पैदा करना है। कैसे? सो प्रिंसिपल नंबर टू कहता है, कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। यानी कि हमेशा लोगों की जो मिस्टेक है उसे डायरेक्ट वे में पॉइंट आउट ना करके उसे इनडायरेक्टली आप दिखा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह एक लेडी के घर में कुछ काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, और वहाँ के वर्कर्स काम तो अच्छा कर रहे थे लेकिन जो काम करने के बाद जो कचरा हो रहा था वो लोग ऐसे के ऐसे छोड़ के चले जा रहे थे। लेडी ने सोचा कि डायरेक्ट क्रिटिसाइज करूंगी तो शायद वो लोग सफाई ना करें या फिर वो उसे गलत वे में ले लें। तो उसने क्या किया, उसने एक दिन अपन खुद और अपने बच्चों को लेके वो सफाई की, और उसके अगले दिन उस कंस्ट्रक्शन का जो हेड था उससे बात किया और बोला कि देखो ऐसे सफाई हमने की है, अभी जब ये सफाई हो गया है तो हमारे एक पड़ोसी भी खुश है, हमें कोई मतलब अच्छा लग रहा है, एक अच्छा माहौल हुआ है, इन्वायरमेंट हुआ है, पड़ोसियाँ भी गुस्सा नहीं हो रहे हैं कि कचरा हो गया यार। ठीक है, तो उस कंस्ट्रक्शन वर्कर को लगा हाँ यार ये तो अच्छी बात है कि हमने लाइक ने सफाई किया, लेकिन ये क्यों सफाई करेंगे जब हम कचरा कर रहे हैं। सो वो इनडायरेक्टली ये समझा कि हाँ हमारी गलती थी तो हमें उसे ठीक करना है। एक और एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है बुक में कि किस तरह एक एक कंस्ट्रक्शन जगह पे, या नहीं कंस्ट्रक्शन नहीं मतलब एक कंपनी में एक प्लेस पे सिगरेट पीना अलाउ नहीं था लेकिन कुछ वर्कर्स वहाँ के वहीं जाके स्मोकिंग कर रहे थे। वहाँ के मालिक को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी लेकिन उनने उन्हें डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं किया। वो चाहे तो उनसे झाड़ सकते थे, उन्हें बोल सकते थे कि तुम यहाँ पे क्यों सिगरेट पी रहे हो जबकि वहाँ पे साइन लगा हुआ है कि नो स्मोकिंग, बट उस मालिक ने उन्हें एक एक सिगार दिया और कहा कि मेरे दोस्तों मैं को बहुत खुशी होगी अगर आप ये सिगार ट्राई करें लेकिन बाहर जाके। तो इस तरह उन्हें भी रियलाइज हो कि हाँ इस जगह पे सिगरेट पीना मना है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये समझाया कि आप यहाँ पे फॉल्ट कर रहे हो। तो कभी भी अगर आप लोगों को डायरेक्टली ऑफेंस करोगे तो शायद वो उस चीज़ को वैसे ना एक्सेप्ट करें, लेकिन आप उन्हें इनडायरेक्टली समझाओगे कि देखो यार आपने यहाँ गलती की है तो आप इसे सुधार भी सकते हैं, तब वो उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर थ्री, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक फर्स्ट। यानी कि देखो यार हम कोई भी दुनिया में कोई भी हो कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, ये चीज़ एक कॉमन सी फैक्ट है, हम सब में फॉल्ट होते हैं। और यही एक बहुत खूबसूरत बात है एक ह्यूमन की कि जब आप अपने से छोटे या किसी को भी कुछ करेक्ट कराने जाते हो तो पहले अपनी गलतियों के बारे में भी बताया करो कि मैंने ये गलती की थी पास्ट में लेकिन मैं इन गलतियों से भी सीख रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरी गलतियों सीखें और आप ऐसी गलतियां ना दोहराएं। ये बहुत अच्छा तरीका है लोग को ये समझाने का कि नहीं यार मैं कोई परफेक्ट नहीं था, तो क्या हुआ कोई परफेक्ट नहीं है, और अच्छी बात यह है कि हम सब अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। इसीलिए डेल कार्नेगी जी कहते हैं, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। लोगों को क्रिटिसाइज करने से पहले खुद की मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए। ये डेल कार्नेगी ने खुद के लाइफ में भी अप्लाई किया अपनी बेटी के साथ एंड रिजल्ट्स वर कमाल के थे। ठीक है, तो हमेशा एक अच्छा लीडर सिर्फ लोगों को ये नहीं चाहता कि मैं सबसे बढ़िया हूँ, मैंने एक लीडर की पोजीशन पा ली है तो मुझसे बढ़िया कोई है नहीं, नहीं उसने भी पास्ट में मिस्टेक किए हैं लेकिन वो अपनी गलतियाँ शो करके अपने आप को छोटा नहीं करता बल्कि उनके दिलों में एक अच्छी पोजीशन पाता है। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर फोर, नो वन लाइक्स टू टेक ऑर्डर्स। सही बात है यार,
किसी को भी ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। अगर आप किसी को भी डायरेक्ट ऑर्डर देते हो तो वो उसे एक इंसल्ट लगता है, वो उसे लगता है कि आप उसे एक स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हो, आप उसे एक नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हो, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक कंपनी के हेड ने सोचा कि ये एक टास्क हमें लेना है, लेकिन इस टास्क को लेने से हमारा काम बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उनने अपने वर्कर्स को डायरेक्ट ऑर्डर ना देके हुए उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया, उनसे सवाल पूछे कि अगर मैं ये टास्क लेता हूँ तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम इस टास्क को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, क्या आइडियाज आप दे सकते हैं। उनने क्वेश्चन पूछा, ना कि डायरेक्ट ऑर्डर दिए, और उसका रिजल्ट कमाल का हुआ। कंपनी के लोगों ने एक से बढ़कर एक अच्छे आइडियाज दिए, अच्छा उसे एक्सप्लेन कर पाया कि वो लोग किस तरह से इस काम को जल्द से जल्द कर सकते हैं, किस तरह से आपको ये ऑर्डर ले लेना चाहिए। तो हमेशा एक अच्छा लीडर क्वेश्चन पूछता है इंस्टेड की ऑर्डर दे, सो आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर। चैप्टर नंबर 5, लेट द अदर पर्सन सेव फेस, यानी कि हमेशा किसी को भी अगर आप क्रिटिसाइज करते हो पब्लिकली या उसके इवन अलोन, अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो अपनी ही नजरों में गिर जाता है। ये बहुत ही डीप बात है जो हम सबको समझनी चाहिए कि क्रिटिसिज्म से एक इंसान, चाहे आप उसे पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन वो अपने आप में जब वो क्रिटिसिज्म सहता है उसे लगता है कि यार नहीं, मैं ही गलत हूँ, मैं ही खराब हूँ, मेरे से खराब कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो अगर वो अपनी नज़रों में ही गिर जाएगा तो वो ज़िंदगी में कभी अच्छा काम नहीं कर पाएगा, और शायद शायद वो गलत रास्ता भी पकड़ ले। इसीलिए डेल कार्नेजी जी कहते हैं कि हमेशा अदर पर्सन को एक मौका दो कि वो अपनी नज़रों में ना गिरे। लेट द अदर पर्सन सेव फेस का मतलब यही होता है कि उसे क्रिटिसाइज इस तरह से करो कि उसे लगे ना कि क्रिटिसिज्म है या उसे ऑफेंस किया जा रहा है। ये बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बात कही है, क्योंकि आजकल हमारे इस दुनिया में लोग किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं विदाउट थिंकिंग कि वो अपने अंदर क्या फील कर रहा होगा, जो कि एक बहुत ही खराब बात है। तो हमेशा उस पर्सन को ऐसा फील मत होने दीजिए कि वो सबसे बेकार भद्दा इंसान है, जो भी होगा, ठीक है। सो लेट द अदर पर्सन सेव फेस। मूविंग ऑन टू चैप्टर 6, हाउ टू स्पर पीपल टू सक्सेस, यानी कि कैसे हम पीपल को सक्सेस की तरफ ड्राइव कर सकते हैं। देखो इसका सिंपल अगर आप प्रिंसिपल पर देखें ध्यान दो तो ये रखा है कि प्रेज द स्लाइटेस्ट इंप्रूवमेंट एंड प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट, बी हार्टली इन योर अप्रोबिएशन एंड लेविश इन योर प्रेज, यानी कि हर एक इंप्रूवमेंट को प्रेज करो, छोटी से छोटी, चाहे वो कितनी भी माइन्यूट क्यों ना हो, लेकिन उसे प्रेज करो, उसे बढ़ावा दो अगर वो एक अच्छा काम कर रहा है तो। और दिल से करो, मक्खन मत मारो, सच बोलो, ठीक है। और उसे ये एहसास दिलाओ कि अगर तुम आज इतना इम्प्रूव कर सकते हो तो कल और इम्प्रूव कर पाओगे, और मुझे तुम पे भरोसा है। सो हमेशा बी हार्टली विद योर वर्ड, बी ऑनेस्ट, दैट्स द मेन की वर्ड ऑफ दिस होल बुक। अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि ये कोई ट्रिक्स एंड कुछ माइंड साइकोलॉजी की बुक है तो इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट कॉमन सेंस, इट्स जस्ट मेकिंग पीपल टू लिव लाइफ इन अ डिफरेंट वे, इन अ बेटर वे। सो एवरी टाइम इफ यू वॉन्ट समवन टू बी सक्सेसफुल और बी अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ देन टूडे, हमेशा उसे उसके छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट पे प्रेज करो, एंड दैट शुड बी एन ऑनेस्ट प्रेज। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 7, गिव अ डॉग अ गुड नेम, यानी कि गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने थोड़ी देर पहले ये देखा चैप्टर प्रिंसिपल नंबर 4 में कि लेट द अदर पर्सन सेव फेस, जब आप किसी पर्सन को एक
ऐसा एंटाइटलमेंट देते हैं, ऐसा रेपुटेशन देते हैं जो शायद वो कभी किसी ने ना सुना हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बुक में पढ़ोगे तो एक कंस्ट्रक्शन के चीफ ने काम करने से मना कर दिया था, तो हमारे जो पर्सन थे जिनने ये बुक पढ़ी थी, तो उनने क्या किया, उनने जाके उन पे चार्ज नहीं किया, इंस्टेड उन्हें बोला कि देखो यार आपने इतने अच्छे काम किए हैं, आपका नाम एक फोन बुक डिक्शनरी में लाइक सिंग यूनिक है, एंड बहुत उनके बारे में ऐसी चीज़ें बोली जो कि ट्रू थी, एंड उनके एक रेपुटेशन पे एक चार चांद लगा देती थी। इन बंदे ने जिसने बुक पढ़ी थी उनने एक शब्द भी नहीं बोला अपना कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आपने काम क्यों रोक के रखा है, आपका काम नहीं करने की वजह से कितना कुछ नुकसान हो रहा है हमारा, नहीं, उनने बस उस पर्सन को इतना अच्छा रेपुटेशन दिया कि उस पर्सन ने खुद बोला कि चाहे दूसरों का काम अटके लेकिन आपका काम सबसे पहले होगा विदाउट इवन डूइंग दैट टॉक, समझ रहे हो। तो उस पर्सन ने, उस कंस्ट्रक्शन के हेड ने सिर्फ एक रेपुटेशन पाने के बाद अपना पूरा थॉट प्रोसेस बदल दिया, अपना पूरा पुराने ग्रजेस जो भी झगड़े हुए तो उसके वजह से सब कुछ भूल गया, उसे बस एक ट्रू ऑनेस्ट अप्रिसिएशन जो मिला है उसकी वजह से अब वो उस पर्सन का एक अच्छा फ्रेंड भी बन गया। तो एक लीडर हमेशा अपने से अपने जो वर्क टीम है या जो भी है तो उन्हें एक एक ऐसा रेपुटेशन देता है, उन्हें एक ऐसा एंटाइटलमेंट देता है जिसकी वजह से वो खुद आपके काम को करने के लिए एक्साइटेड हो। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 8, मेक द फॉल्स सीम्स इजी टू करेक्ट, यानी कि यूज इनकरेजमेंट, मेक द फॉल्स सीम्स इजी टू करेक्ट। कोई भी यार गलती ऐसी नहीं होती जिसे ठीक नहीं की जा सकती, हाँ उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं बदले जा सकते हैं, लेकिन आप उस गलती को दोबारा रिपीट करने से बच सकते हो या फिर उस गलती को सुधारी भी जा सकती है, अगर कोई बहुत बड़ी गलती ना हो तो उस गलती को सुधारी भी जा सकती है। तो डोंट मेक इट फील दैट कि अदर पर्सन को ऐसा लगे कि ये गलती है तो ये सुधारी जा ही नहीं सकती, मैंने गलती कर दी है, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, नहीं, उसे इंकरेज कीजिए कि आप ये गलती अगर की हो तो इसे सुधारी भी जा सकती है। एक रिफ्लेक्टिव पर्सन, सॉरी मतलब एक पर्सन जिसे ठीक से पढ़ नहीं पाता था, ठीक से उसके स्कोर्स अच्छे नहीं आते थे मैथ्स में, वो उसे इनकरेज किया गया, उसे दिखाया गया कि नहीं अगर तुम गलती कर रहे हो तो तुम सुधार सकते हो, तुम्हें बस कोशिश करनी है, वो एक बार ऐसे इंकरेजमेंट पाने के बाद धीरे धीरे इंप्रूव करते गए, इंप्रूव करते गए, और वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस में कहलाया अपने लाइक सराउंडिंग्स में, बिकॉज उसने लाइक बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। इट्स ऑल रिटन इन द बुक, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बुक जरूर जाके पढ़िए, इट्स अ अमेजिंग बुक, इट्स हैव अ इट हैज अ लॉट ऑफ लाइक एग्जांपल्स एंड लॉट ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स, लीडर्स के हो या किसी का भी हो। इस बुक में एक और चीज लिखी हुई है जो मैं चैप्टर नंबर 9 के जाने से पहले मेंशन करना चाहता हूँ, बहुत ही कमाल की बात है, बहुत सुंदर बात बोली गई है कि जब आप किसी को प्रेस करते हो पर उसकी गलती भी बोलनी है तो आप क्या कभी कभी करते हो कि लाइक सपोज करो एक बच्चा है जिसका सारे मार्क्स अच्छे हैं बट एलजेब्रा में उसका मार्क्स खराब आ गया, ठीक है, तो आप क्या कर, आपने क्या बोला उसे कि आपने पहले तो उसे प्रेज किया कि बहुत अच्छा तुमने यार इतना अच्छा मार्क्स लाया हर सब्जेक्ट में, फिर आपने एक बट लगाया, हमेशा हम लोग एक माइंड प्रोसेस में रहते हैं कि कुछ अच्छा बोले फिर उसके बाद बट बोले, और फिर बट बोल के ले बट यू कैन इम्प्रूव इन एलजेब्रा टू। सो ये जो बट है, ये जो तीन वर्ड का लेटर है, ये एक ऐसा वर्ड है कि जैसे ही आपने ये बट लगाया आपका पुराना जितना भी प्रेज किया था उस पर्सन को एक फॉल्स अप्रूवल लगा, या एक फॉल्स क्या बोलूं, उसे सही, उसे नहीं लगा कि आप एक ऑनेस्ट अप्रिसिएशन दे रहे हो। जो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड बट यू कैन यूज द वर्ड एंड, कैसे, इसी एग्जाम्पल में कि यू हैव डन एन एक्सेलेंट वर्क इन ऑल द सब्जेक्ट एंड विद टाइम आई होप यू विल इम्प्रूव विद योर एलजेब्रा एज वेल। सो एक वर्ड बट को चेंज करने के बाद एंड लगाने से इस पूरे स्टेटमेंट का
किस तरह से मतलब बदल गया उस पर्सन के लिए, तो ये बुक में लिखा हुआ है और ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि किस तरह से एक बट आपका पुराना जितना भी आपने कोशिश की उसे एक गुड वाइब देने की, वो सब तोड़ दिया और एक एंड ने इसी चीज को सिंप्लीफाइड करके अलग तरीके से बताया। सो फाइनली वी आर मूविंग टू चैप्टर नंबर 9। आई नो दिस वीडियो इज नॉट सो बिग एंड इट इज नॉट बिग बिकॉज आई थिंक बड़ा करने से लाइक आधे चैप्टर्स तो भूल जाते हैं, आधे चैप्टर लाइक निकल जाते हैं। डिस्कशन की भी वैसे ज़रूरत थी, अगर आप डिस्कशन में भी देखते तो काफ़ी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हमारे क्लब के, तो उन्होंने बहुत ही डीपली इस चीज़ को समझाया, क्वेश्चन भी पूछे, बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स मुझे इस बार वो ना करना पड़ा, मुझे इस बार लाइव नहीं कर पाया, मीट नहीं कर पाया, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और यस लेट्स फिनिश इट एंड देन आई विल जस्ट से अ फ्यू वर्ड एंड वी विल फिनिश द वीडियो। ओके सो चैप्टर नंबर 9, मेकिंग पर्सन ग्लैड टू वॉट यू वॉन्ट, मेकिंग पर्सन पीपल ग्लैड टू डू वॉट यू वॉन्ट। प्रिंसिपल क्या कहता है, मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग्स यू सजेस्ट। अब ये आप कैसे करोगे, प्रिंसिपल ने तो कह दिया कि भैया दूसरे पर्सन को हैप्पी करो वो चीज़ करने के लिए जो आप सजेस्ट करो, लेकिन एक अच्छा लीडर किस तरह से उन्हें उत्साहित कर सकता है अपना काम कराने के लिए। तो बुक में अगर आप देखोगे तो देयर इज अ गाइडलाइन जो कि मैं अभी आपके लिए रीड आउट करने वाला हूँ। नंबर वन रूल कहता है, बी सिंसियर, डू नॉट प्रॉमिस एनीथिंग दैट यू कैन नॉट डिलीवर, फॉरगेट अबाउट द बेनिफिट्स टू योर सेल्फ एंड कंसनट्रेट टू द बेनिफिट टू द अदर पर्सन। ये गाइडलाइंस मैं पढ़ रहा हूँ, इसका पहला जो नंबर वन गाइडलाइन कहता है कि हमेशा सिंसियर रहो जो भी आप बोल रहे हो। अगर आप किसी को कुछ प्रॉमिस कर रहे हो कि अगर तुम ये काम करते हो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा वो दे दूंगा, अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो तो उसे खोखले प्रॉमिस ना करो, सच वाले प्रॉमिस करो कि हाँ आप ये सच में डिलीवर कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते तो मत करो, ठीक है। और अपने बेनिफिट से पहले उस दूसरे पर्सन के बेनिफिट के बारे में सोचो कि वो आपके काम करके क्या फायदा कमा सकता है। नंबर टू, नो एग्जैक्टली वॉट इज इट वॉट सॉरी वॉट इट इज यू वॉन्ट द अदर पर्सन टू डू, यानी कि खुद को पहले पता होना चाहिए कि आप दूसरे पर्सन से क्या कराना चाहते हैं। नंबर थ्री, बी एम्पैथेटिक, आस्क योर सेल्फ वॉट इज इट द अदर पर्सन रियली वॉन्ट्स, यानी कि एम्पैथेटिक रहो और पहले खुद से पूछो कि दूसरे पर्सन को आपसे चाहिए क्या। नंबर फोर, कंसिडर द बेनिफिट दैट द पर्सन विल रिसीव फ्रॉम डूइंग वॉट यू सजेस्ट, यानी कि उन बेनिफिट्स के बारे में सोचो जो दूसरे पर्सन को मिलेगा जब वो आपका काम करेंगे। एंड नंबर फाइव, मैच दोज बेनिफिट्स टू द अदर पर्सन वॉन्ट। वॉन्ट्स और बेनिफिट्स दो अलग टर्म यहाँ पे यूज किए गए, अगर पर्सन का वॉन्ट और बेनिफिट्स दोनों मैच कर जाए तभी वो पर्सन आपका काम करने में खुश रहेगा। और फाइनली नंबर सिक्स, व्हेन यू मेक योर रिक्वेस्ट पुट इट इन द फॉर्म दैट यू विल कन्वे टू द अदर पर्सन द आइडिया दैट ही इज पर्सनली विल बेनिफिट, ठीक है। तो अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हो तो इस तरह से बोलो कि जैसे उस पर्सन क्या बेनिफिट होगा इस आइडिया से। तो ये कुछ गाइडलाइन है और ये बहुत ही अच्छे गाइडलाइन है कि हमेशा मेन जो बात है कि अगर आपको पता है कि उस पर्सन को क्या चाहिए और अगर आप इस अपने काम के बेनिफिट्स को उसके मतलब उसके क्या चाहिए वॉन्ट्स से अगर आप उसे मैच कर पाओ तो ही वो पर्सन आपका काम करने में खुश रहेगा। एंड इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं बट बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल एंड देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर, सो आई विल नॉट बी गिविंग एन एग्जाम्पल, इंस्टेड आई विल बी आस्किंग यू ऑल टू रीड दिस बुक। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आउट देयर एंड आई पर्सनली थिंक दैट इट्स अ लाइफ चेंजिंग बुक। अगर आप इसके प्रिंसिपल को बार बार लाइक महीने में एक बार भी आप इसके प्रिंसिपल को रीड आउट करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, देन इट्स अ रियल लाइफ चेंजिंग बुक। या आपके पर्सनल से लेके आपके बिजनेस लाइफ या जो भी आप बोलो, आप
पूरी तरह से बदल सकता है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। अगर आप इसका पीडीएफ वर्जन चाहते हैं देन विजिट अवर टेलीग्राम चैनल दैट इज पीआरजे लाइब्रेरी, जो कि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस चैनल से कुछ वैल्यूज मिलते हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या ना अच्छी लगी हो तो बी श्योर टू गिव अ लाइक और अ डिसलाइक टू दिस वीडियो। और अगर आपके सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में आप जरूर लिखें अपने सजेशंस। मैंने कुछ गलती बोल दी हो तो उसे भी करेक्ट कीजिए। आई नो आई हैव नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग्स इन अ वेरी परफेक्ट मैनर, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव आउट ऑल द की पॉइंट दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक। एंड विद दैट आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो। बिफोर दैट आई विल बी अनाउंसिंग दैट टुमारो एट 1 सेप्टेम्बर वी हैव अ वेरी इम्पॉर्टेंट मीट फॉर दिस क्लब एंड फॉर दिस चैनल। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट बी श्योर टू चेक आउट द लाइव दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन टुमारो एंड टुमारो ईव 10 PM। एंड अगर आपको मेरी इस खूबसूरत आवाज़ को वापस से सुनना है देन डू चेक आउट माई चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विद मूडी SP। सो विद दैट वी आर एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ। सायोनारा।